हमारे होते हुए कोई और प्रेसिडेंट कभी नहीं बनता। 6000 में भाई गर्ल्स पीजी बड़ा सिखा दे बोला। तो पिछली दो वीडियो लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी की ना होने की वजह से मजा नहीं आ रहा, तो आज चल रहे हैं अपने कॉलेज में। वही रास्ता वही वे वही। आज मुझे ज्यादातर वहाँ पे क्लास करनी होगी क्योंकि अटेंडेंस कंपलसरी हो गया है। अब से वीक में एक या दो वीडियो अपने कॉलेज का किया करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, मैंने पिछले Hey guys, welcome back to our channel, Brain Teaser Vlog। तो भाई बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज मैंने जो DU के बाहर के भी कवर कर लिए अपने व्लॉग में, और आज चाहूंगा ज्यादा मैं सीरियस रहूँ व्लॉग में, जो नए स्टूडेंट उसकी हेल्प हो सके और ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज पता चल सके। तो सबसे पहले मैं लोकेशन की बात कर लेता हूँ। लोकेशन देखो, यहाँ पे आप मेट्रो से भी आ सकते हो और बस स्टॉप भी है, लोधी रोड बस स्टॉप पे है यहाँ पे। दूसरा है मेट्रो स्टेशन, ठीक है, वो तो मैं एवरीडे आता हूँ मेट्रो से, तो JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है, आप वहाँ से आ सकते हो डायरेक्ट कॉलेज के साइड में। तो ये तो था लोकेशन, लेकिन ठीक है अब हम अंदर चलते हैं गेट से। तो भाई अभी जैसे गेट से मैं एंट्री किया हूँ, देख सकते हो बहुत ही अच्छा सजा हुआ है, और हमारे साथ विशाल भाई फिर से, ठीक है बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, जोर से बोलो हाय गाइस। विशाल भाई कैसे हो? ठीक है भाई। तो गाइस अभी हम चाय पी रहे थे उधर, लेकिन मैं सोचा नहीं नहीं व्लॉग करनी चाहिए, तो आप ऐसे आओगे सामने आपको बड़ा सा बोर्ड दिखे दयाल सिंह कॉलेज का, ये हमारा NCC ग्राउंड। तो भाई ये रहा NCC ग्राउंड, और बच्चे आगे जो है क्रिकेट विकेट खेल रहे हैं, तुम भी आके यहाँ पे खेल सकते हो। ये है NCC ग्राउंड, और हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा ग्राउंड यही है जहाँ पे तुम कुछ भी खेल सकते हो। प्रैक्टिस सोसाइटी में, वो तो सोसाइटी वाले यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे। काफी अच्छा कॉलेज है, मैं यहाँ के बारे में आपको रिव्यू दूंगा और स्टूडेंट से भी पूछ के बताऊंगा कि कितने स्कोर लाने पे यहाँ पे एडमिशन होता है। ये है सबसे प्यारा ग्राउंड, इधर कबड्डी ग्राउंड दिखा, जो भी नए बच्चे होता है एडमिशन लेते सारे बंदे इधर आते हैं, है ना भाई? ये देखो भाई से भी पूछ सकते हो। ठीक भाई, ये है बास्केटबॉल कोर्ट, बॉल डाल के आता हूँ उसके अंदर, कम ऑन भाई। हमारे रैमबॉक में थे बहुत फर्स्ट ईयर में, और आज कैसे हो? मतलब रैमबॉक छोड़ दिया ना? अरे भाई सोसाइटी में हूँ। कौन सी सोसाइटी? ड्रामेटिक सोसाइटी। ड्रामेटिक सोसाइटी का एक्सपीरियंस बताओ। बहुत बढ़िया, पूरे दिन मजे करते हैं, पूरे मजे, और जब मेहनत होती है तो फाड़ दी जाती है सब। बिल्कुल, स्कोर बता दो। CUT भूल गया। ठीक है कोई नहीं, बोल ले। बेस्ट क्लिक जो फोटो होता है इसी ग्राउंड में, मैंने बहुत फोटो खिंचाए इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हैं, ठीक है वो तुम देख नहीं सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे है। ये है रोज गार्डन, हमेशा की तरह चालू हो चुका हूँ बहुत सारी ऑडियंस के बीच। ऑर्गेनाइजिंग अ फंडरेजर टू हेल्प अनप्रिविलेज्ड पीपल, वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट? एंड गाइस देखो यहाँ पे भी स्पेस स्कैन करके अपना कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू सो मच। आप कुछ देना चाहते हैं? अबे इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। कंट्रीब्यूट कराना था लेकिन तुम्हारे भाई के पास अभी डॉलर आए नहीं है चैनल के तरफ से, तो मैं आराम से करूंगा कंट्रीब्यूट, लेकिन तुम सब कर देना यार, हेल्प हो जाएगी। व्हाट्स योर नेम? दक्ष। हाय, व्हाट्स योर नेम? आप दोनों हमारी कॉलेज से, दयाल सिंह से, फ्रेशर के लिए है या फिर कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर? कोई भी कर सकता है। ओके, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी हमारी, इवेंट हो रहा है अभी 12 और 13 फेब। ये इवेंट होगा कहाँ? इसी कॉलेज में? इसी कॉलेज में होगा, हर इवेंट की सेमिनार हॉल में। ओके, और एमपी में भी। ओके, इस इवेंट में कोई भी रजिस्टर कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज का, पूरे DU के ओपन है, पूरे DU के लिए। तो भाई जितने भी हमारे पास DU के स्टूडेंट हो ज्वाइन कर सकते हो। रजनीगंधा फेस्ट तो नहीं? व्हाट्स योर नेम भाई? कपीश। कपीश भाई आपकी सोसाइटी? हाँ भाई, ये हमारी वाइस प्रेसिडेंट प्रियंका। ओके हाय, जिनका टेन्योर खत्म होने वाला। सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस? वी आर फ्रॉम इनएक्टर्स एंड वी आर अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी, जिसमें हम हेल्प करते हैं टू द अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटी। सो बेसिकली अभी हमारा फंड रेजर हो रहा है, जिसमें वी आर गोइंग टू बी केटरिंग टू 3 मोटिव्स ऑफ आवर्स, दैट इज फूड, एजुकेशन एंड डॉग्स। तो जो भी फंड्स कलेक्ट होंगे, रादर देन कोलैबोरेटिंग विद द NGO, हम लोग खुद जाके उनको फूड डोनेट करेंगे फॉर अ वीक और फॉर 2 वीक्स, जिसमें हमारा फंड होगा, एंड देन वी गो एंड हेल्प द डॉग्स। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट को क्या करना है इसमें?
स्कैन करके हम लोग फंड रेजर कर रहे हैं. ओके, तो लाइक वी आर ऑर्गेनाइजिंग गेम्स, ऑनलाइन गेम्स, ऑफलाइन गेम्स, या कुछ वैसे ही इफ एनीबॉडी वांट्स टू. तो हम लोग पिचिंग कर रहे हैं, क्लास पिचिंग हो गई. ओके, आस्किंग आवर नेबर्स, रिलेटिव्स की फंड्स दो, सो दैट गोज टू अ वेरी गुड कॉज. थैंक यू सो मच. यस, अभिमन्यु आप भी बता सकती हो. खुशी फंड रेज करते हैं ताकि हम स्लम एरियाज में जाके जो मेंस पुअर मेंस फेसेस उनको जाके पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सके. okay. हमारे भी ड्राइव है, जो ये ड्राइव मतलब कलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद हम स्लम एरियाज में जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एक तरीके सोसाइटी वाले कॉन्ट्रीब्यूट करने, उन लोगों को अवेयर करने के लिए जहाँ पे लाइफ. आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं. अच्छा, आप सेकंड ईयर में. अच्छा, सीयूटी स्कोर बता सकती है आप? 587 आउट ऑफ 800. ओके, थैंक यू. बहुत करियर बता दो. सेकंड ईयर, क्योंकि नए स्टूडेंट मुझसे बहुत पूछते हैं स्कोर कितने आते हैं, आपके कितने आए थे? तो उस टाइम मेरा अराउंड 700 के. 700 अराउंड, 650 या 700 के अराउंड. ओके, आपके? मैं थर्ड ईयर. थर्ड ईयर आपके भाई? मेरा 550 था. ओके, आप उधर पूछ सकते हैं, सीयूटी स्कोर बस पूछ लो. ये आदिति याद नहीं है? याद नहीं. आप उनसे सीयूटी के बारे में बता दें. एक वुमेन डेवलपमेंट सेल है. ओके, ये काम करता है जेंडर इक्वालिटी के लिए. ओके, ठीक है. और बहुत सारे हमारे पीरियड्स पे भी हम काम करते हैं. ओके ओके, वुमेन्स के लिए. दिस इज अ सेल, नॉट अ सोसाइटी. ये है हमारा एमपी थिएटर, जहाँ पे कुछ ना कुछ हो ही रहा है. बहुत बच्चे आए, हमारे दोस्त भी आए हुए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर जगह प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड आ गया, ऋषि, हमारे पुराने वाले मित्र. चाहूंगा कि एमपी थिएटर में नए नए स्टूडेंट से मैं पूछूं, तू और मैं मिलवाऊं नए नए स्टूडेंट से. हाय. तो आज फिर से मैं कर रहा हूँ व्लॉग आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. तो लाइन से बता देता हूँ, ये हमारे छत्रसाल भाई. अरे तू तो है ही, तू तो है ही यार, तुझे कोई दिक्कत ना. और बढ़िया, नाम बता दे भाई. विश्वास. विश्वास आप भाई? विवेक भाई. 600 से 350 के ऊपर आए थे. ओके, 600 के. आपके? 550 क्या? और ये बोला क्या, ये तो बहुत स्कोर. स्कोर बता दे, आज रिवील कर दो सीयूटी स्कोर. भाई ये तो पता नहीं है भाई, पास नहीं पास. ये हमारे बहुत ही लंगोटिया यार टाइप के फ्रेंड है. हाँ, आप अपने स्कोर बता दो. मेरा 600 प्लस. रिसेंट वाली व्लॉग में आप आए थे, लोगों ने बहुत प्यार बरसाया, तो हमें बहुत मजा आया. जब अभी जिस साल के हुए नहीं है, 1 के होने वाले हैं, बस बस थोड़ा सा दूर है. जल्दी जल्दी सपोर्ट करो मेरे फ्रेंड को, मैं भी अपना फिर ब्लॉग चैनल ओपन करूंगी. आई एम वेटिंग फॉर हिम. धीरे धीरे हमारी टीम बढ़ती हुई, और हमारी टीम की तादाद देख लो, 1 से 3 हो गया अब धीरे धीरे, है ना. फ्रेशर से मिले. यूनिटी इज डाइवर्सिटी. एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क सम क्वेश्चन? फर्स्ट ईयर? ओके, फर्स्ट ईयर. आप भी? आप कोर्स बता देना, ठीक है. बीए प्रोग्राम. बीए प्रोग्राम. आप? सेम. आप नेम बताओ, व्हाट्स योर नेम? एकता. एकता कपूर? नहीं. आपका? उम्मुल. उम्मुल. ओके. ओके, कैसा लग रहा है कॉलेज में फर्स्ट ईयर में? मजा आ रहा है? एमपी थिएटर कैसा? बढ़िया. ओके, नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहोगे? आप तो खुद नए हो ना, अभी तो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा नहीं. सीयूटी स्कोर बता दो आप डायरेक्ट. मेरा 650. 800 में से? दयाल सिंह में कैसा? आउट ऑफ 800. दयाल सिंह में कैसा लग रहा? दयाल सिंह में कैसा लग रहा? ठीक लग रहा. आप स्कोर बता दो. आप? याद नहीं. आपको याद नहीं? सही में या झूठ बोल रही हो? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट बच्चे हैं आप. अब दूसरे से पूछता हूँ, क्या नाम भाई आपका? हार्दिक. हार्दिक भाई कौन से कोर्स में हो? बीएससी कंप्यूटर साइंस. ओके, ये उठ के भाग गया और बच्चे. चलो कोई नहीं, आप तीन भाई बता दो, ऐसे भी व्लॉग लंबी हो जाएगी. आप स्कोर बता सकते हो? स्कोर था मेरा 470. 470 रियल ना? हाँ सही में. जनरल कैटेगरी? हाँ जनरल कैटेगरी. लड़के ऑनेस्ट होते हैं, लड़की से ज्यादा ऑनेस्ट लड़के होते हैं. हाँ लड़के होते हैं भाई. बढ़िया आ रही है एकदम, 4 के क्वालिटी, टेंशन नहीं है. हाय भाई, आपका नाम? हेलो भाई. भाई मेरा नाम कुणाल. ओके, आपके स्कोर? भाई मेरा स्कोर था 550. 550 स्पोर्ट्स कोटे से. स्पोर्ट कोटे से? स्पोर्ट कोटे से अगर बच्चे कितने कम ले आए तो उसका एडमिशन हो सकता है. स्पोर्ट्स कोटे भाई ये है, पहले ट्रायल होता है. ओके, ट्रायल के बाद उसमें अलग, उनकी अलग ही उनकी लिस्ट होती है ना, मेरिट लिस्ट, वो अलग ही बनती है पूरी. ओके, उनका एडमिशन अलग ही चलता है. बस उनका सीयूटी स्कोर में है, वो 200 ले आए, 300 फिर भी हो जाता है. एक हमारे वाला उसका 200 है. एक कैटेगरी रहती है कि 250 से पार रखे, मतलब एक एवरेज तरह की पढ़ाई में भी साढ़ा रहे कुछ रहेगा, अब खत्म ही कहानी है. बिल्कुल बिल्कुल. आप वैसे हो कहाँ से? विच स्टेट? मैं हूँ यूपी से. यूपी से? बागपत से. मेरा यूपी के. थैंक यू सो मच. आप कहाँ से थे वैसे? मेरठ. थैंक यू सो मच. और भाई आप भी बताओगे? बिल्कुल. क्यों नहीं. आपका नाम क्या है? अंश. भाई आपके स्कोर कितने आए थे? 590. 800 में से? कैटेगरी जनरल ही होगा. कितने महीने से आ रहे हो आप कॉलेज वैसे? कॉलेज तो आते हैं पर
क्लास नहीं यार, ओके इसलिए मैं क्लास छोड़ के ब्लॉग हो गया, अब सेकंड सेम स्टार्ट हो गया। ओके भाई आपका नाम? शुभम भाई, नाइस टू मीट यू। आपका स्कोर? मेरा 630। 630 आपका? आपका स्कोर? आपका? तरुण नाम है मेरे, 600। 600 विच स्टेट बिलोंग टू पता? थैंक यू सो मच। बहुत सारे स्टूडेंट बता भी नहीं पा रहे लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं। पता नहीं क्यों शर्माते हैं लोग यार। और आ जाऊं तो हमारे सीनियर भाई मिले हैं और सीनियर भाई से एक बार एक्सपीरियंस पूछे। हाय भाई, कैसे भाई? और भाई आप तो हमारे हर व्लॉग में आते हैं, थैंक यू सो मच। बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया। क्या हाल भाई? सारे भाई आप? हाय ओके ओके आप और भाई? अरे हमारे प्रेसिडेंट साहब, सारे भाई आज। अच्छा नए स्टूडेंट को आप सब क्या कहना चाहोगे? नए स्टूडेंट को भाई यही कहना चाहेंगे, पढ़ाई पे ध्यान दो, लड़ाई पढ़ाई में मकसद अलग चल रहा है। ओके आप सब न्यू स्टूडेंट को क्या कहना चाहिए? ये भाई है, ये सबसे ज्यादा लड़ाई करते कॉलेज में। नहीं नहीं ऐसे छोटा है, ऐसी कोई बात पहले एंटी था। ओके भाई नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बताना कॉलेज की। कॉलेज हाँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉलेज कहीं पे भी नहीं है बिल्कुल। और भाई हमारे हफ्ते हुए कोई और प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाया। हाँ भाई बोलो जानते हो खान, बट ही इज अ टेररिस्ट, रिकॉर्ड हिम, स्लीपर सेल। ओके भाई इनको मकसद याद है भाई, मकसद। ओके थैंक यू सो मच बहुत ज्यादा होगी भाई। यहाँ पे डांस चल रहा है, दूर से हाय बोलने का, रैम वॉक का फिर से ऑडिशन हो रहा है गाइस, जल्दी जल्दी से आप ज्वाइन करें ठीक है। से किताब लेके पढ़ता हूँ, बाहर से लेता नहीं, नहीं सड़क से भी नहीं लेता ठीक है, सारी किताब यहाँ अवेलेबल है, तो आप लाइब्रेरी में आके ज्यादा पढ़ा करो ये कहना चाहूंगा, जो कि ये कभी नहीं पढ़ता है बस। फिर से आ गए रे बाबा इधर भाई, ये इवनिंग की लाइब्रेरी, कौन सी किताब ढूंढ रहे हो? वर्ल्ड हिस्ट्री, पढ़ने वाला बच्चा है, एग्जाम में पास हो जाती हूँ, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है ये बता। बिल्कुल क्या है? रियाज करना है, रियाज कैसे करता है मुझे जानना है। ये गाना हो जाए, गाना हो जाए, हो जाए थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वाओ वाओ वाह क्या क्या सिंगिंग किया आपने। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इंडियन आइडल वाले कहाँ सोए हुए हैं इतने दिन। ऋषभ म्यूजिक सोसाइटी काम करती है, बस दिखाई नहीं देती हमसे, काम करवाते हैं, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता, हमें मिलना चाहिए। आज मैंने टैलेंट देखा ऋषभ सोसाइटी का, ओके श्रिया फ्रॉम सेक्शन डी इवनिंग कॉलेज, ओके ओके थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा टैलेंट था आपका, आई अप्रिशिएट। अरे शुरू भी हो गया? बिल्कुल। ओके एनसीसी में कैसे एडमिशन हुआ? सॉरी फिजिकल टेस्ट होता है, एक्सपीरियंस शेयर कर दो आप अपना। वी लर्नड ब्रदरहुड, साथ रहना, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, व्हाट वी लर्नड। थैंक यू सो मच। आप शेयर करना चाहेंगे एक्सपीरियंस? नहीं, एनसीसी का रिव्यू देखा आपने, कैसे हो सानू भाई? नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हो? नहीं आपको? नहीं नए स्टूडेंट को, मैं स्टूडेंट तो हूँ ही, नए स्टूडेंट को। अभी कोई नए नहीं है, सब तीन चार महीने पुराने होंगे, कॉलेज में मौज काटो, मजे में रहो। अच्छा सानू भाई अपना स्कोर रिवील करो आज सीयूटी। पीटी में तो मेरा स्कोर था 782। नहीं स्कोर 640 था मेरे, दूसरे कॉलेज में मिल जाते पर गलती से कॉलेज। अच्छा गलती से आ गए हमारे कॉलेज में, लेकिन गलती में भी बहुत अच्छा है ना, बढ़िया। आपके स्कोर? याद नहीं है सर। याद नहीं है, चलो ठीक है। आपके स्कोर? 200 तो आया होगा। 200 आया होगा है? सही सही बताओ यार, भटक जाएगी ऑडियंस फिर। गाइस ये झूठ बोल रहा है, इतना स्कोर आया नहीं था, इसके बहुत स्कोर।
बाकी भाई से मिलो हमारे साथ, हंसराज में गए थे, चश्मा मेरा फिर से ये पा ही गया है, फिर से मैं चश्मा पा गया भाई का, खुशी आई नहीं आज मेरा मतलब, शांति आई है, सब आई पता है, यूनिक व्लॉग हो रहा हमारा आज, इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और तुम भी हो, आप इन्फॉर्मेशन दो कुछ स्टूडेंट को कि यहाँ पे अच्छी चीज करो, कुछ मत करो भाई, सीयूटी का पेपर नहीं मत दो, ओके सीयूटी का पेपर नहीं दो, स्कोर बता दो आज, वगैरह सब बेकार है, स्कोर बता दो आज, मेरा तो 610 था, 610 देख रहे हो कितने मतलब, कुछ नहीं ज्यादा था भाई, ज्यादा नहीं है, कोई बताओ भाई सीयूटी पे, मेरे से तो ज्यादा ही है भाई, प्रिंस भाई स्वागत है बहुत दिन बाद हमारे नए व्लॉग में, हमारे नेता कैसे हो, बढ़िया भाई आप, ये बड़े लोग हैं थोड़े, हाँ आप ही बता दो इनके बारे में, ये बड़े लोग हैं थोड़े बिजी ज्यादा रहते हैं, और हमारे बग्गा भाई ऐसा लग रहा है आज, बहुत दिन बाद स्वागत है फिर से, एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा बहुत, अच्छा फील हो रहा है मुझे कॉलेज में आके, अपने ग्राउंड अच्छा है, ग्राउंड अच्छा, सब धूप लेने आते हैं यहाँ पे, विटामिन डी भर भर के पढ़ने नहीं आते यहाँ पर लोग, धूप लेने आते हैं 2 बजे तो पहुंच के विटामिन डी मिलती है, और धूप लोग काफी अच्छा ग्राउंड है, और भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, बता दो नितिन मंडोटिया ब्लॉग्स, देखो भाई एक एक्सपीरियंस तो तुम जानते रहोगे, थोड़ा बहुत मुझे भी देख लिया करो बीच बीच, हमारा सबसे बेस्ट जगह जहाँ पे हम सब बैठ के विटामिन डी लेते हैं, लेकिन टाइम 2 हो चुका है तो विटामिन डी नहीं ले पाएंगे, पीछे बिल्डिंग किसकी है, पीछे बिल्डिंग ये एनआईए की बिल्डिंग नहीं है, ये कॉलेज की बिल्डिंग है, ये एसपीएस, और इसके पीछे जो आप देख रहे हो वो एनआईए की बिल्डिंग है, कभी कभी वहाँ पे भी कभी कभी हमारा कॉलेज लग जाता है, अरे भाई ये इतना लंबा नहीं फेंकना है वो बिल्डिंग नहीं है भाई हमारी, हम सब भी गांव से हैं ना, आप कौन से गांव से हो, नोएडा के पास है मेरा गांव, ओके ये नोएडा के, नोएडा में कौन सा गांव आ गया, मैं बताओ मैं बहुत ज्यादा एक बिहार का गांव है बताना नहीं चाहता, छोड़ो नहीं भाई बहुत अजीब सा नाम है, जाओ मस्जिद के पास क्या है, अति पिछड़ा गाँव, वहाँ से आओ तो यहाँ पे ऐसा फील मत करना कि कॉलेज में कुछ ज्यादा बच्चे हाई लेवल के मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं भाई, सब तुम्हारे जैसे ही है, दयाल सिंह में जो है ना कुछ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है आके डरना नहीं, दयाल सिंह कॉलेज की बहुत बड़ी इज्जत भी है यूनिवर्सिटी में, लड़ाई की वजह से तो है ही है, बाकी बहुत सारे टॉपर्स भी निकले, बाकी भाई इस कॉलेज में लड़कियाँ नहीं है, लड़कियाँ नहीं है, मैं कौन हूँ लड़की नहीं है तो, ये अकेली है, लड़कियों के सामने पूछ रहे हो ये क्वेश्चन, लड़कियाँ को दिख, हाय शगुन जी आप बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे व्यतीत कर रही है आप अपना, आप वेस्ट कर रही हूँ, व्यतीत नहीं है, वेस्ट नहीं बहुत अच्छा, आप यूज कर रही है टाइम है ना, एकदम क्लास क्लास लेके बैठे हुए हैं, ओके बाप रे कितनी खूबसूरत आ रही हो माँ कसम, इतना तो आईफोन 15 प्रो में नहीं आया था, सीरियसली अगर तुम्हें पीजी चाहिए 10,000 से कम में लेना है तो तुम कोटला जा सकते हो, कोटला में तुम्हें पीजी फ्लैट मिल जाएगा, और एक सेकंड एकदम याद है कोटला ये भी जान लीजिए, नहीं नहीं गरीबों के लिए बताओ हमको सिखा रही है, साउथ एक्स में पीजी का क्या प्राइस है, साउथ एक्स पार्ट 1 में रहता है, हमारे पीजी का 6,000, इतना सस्ता फूड नहीं है ना उसमें, वहाँ पे अच्छे पीजी है सारे, पार्ट 1 में सिर्फ पीजी, गर्ल्स पीजी आपने रेट क्या बताया, रेट रेट 6,000 में भाई गर्ल्स पीजी, भाई मेरे पास अपना घर है तो आई एम नॉट डिस्ट्रिक्ट से बिहार की छी ट्रेन आवाज ऐसे करके है ना, मतलब ट्रेन आ रही है तो उसको ऐसे बोलेंगे ना, ट्रेन आवाज, ट्रेन आवे वाला है, अरे 6,000 में मुझे अभी पता चला पीजी का कि साउथ एक्स में भी, इनकी लैंग्वेज इतनी प्यारी है, इनका तो था ही प्यारा मैथिली, और अभी भोजपुरी भी मुझे लगा बहुत प्यारा, रहुआ क्या भोजपुरी बोला जाता है तो हम भोजपुरी में बात करते हैं, रहुआ से, रहुआ मतलब कौन, मैं आपका मछली का नहीं रोहू मछली नहीं, भोजपुरी आवेला, भोजपुरी आवेला तो हम हमरा सिखा दे बोला हमरा कितने दिन में मतलब भोजपुरी आवेला, हम कब तक सीख वेला, बिगिनर छे तो अहां के टाइम लगेगा, मुन्ना भैया ने सही डायलॉग बोला, जो बंदा मेरे मुंह पे आके पता क्या बोलता है, भाई तुम्हारी हर व्लॉग देखता हूँ, मैंने कल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, दोनों बंदा अपना भाई मेरा सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब धूप सेके छे, ठीक है मेरी इतनी खराब हो रही है भोजपुरी और मिक्स कर दे रहा हूँ, मैथिली अच्छा लगा कि भोजपुरी बोल, देखो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी किसी भाषा के साथ, दोनों सेम है, दोनों में वाइब है, वाइब है, एक इसी पे गाना हो जाए, बढ़िया बढ़िया, कॉलेज में क्या क्या किया ये तो रूटीन बता दो, भाई सुबह आयो लड़कियाँ देखी 5-6, बस एक पसंद आ गई, बाकी 6 लड़की में से एक पसंद आई, ओके अच्छा जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उसके बारे में आप कुछ जूनियर्स को बताना चाहोगे, खाओ पियो ऐश करो फुद्दी मारो भाई, लाल भाई हमारे सीनियर भाई जितने भी है कॉलेज के बहुत अच्छे हैं, तो फ्रेशर्स बहुत अच्छी थी ना आपकी, हाँ अच्छी थी, ये सीनियर भाई लोगों ने किया था यही भाई, ये बातें नहीं बताई जाती, इतने देर से कहाँ था आयुष, पॉज ले रहा है, कितनी एडिटिंग लगवाएगा, जल्दी बोल कहाँ था, और जी इंट्रोवर्ट हूं मैं, इंट्रोवर्ट है बहुत, इधर आओ, आज क्या किया तुमने कॉलेज में, कितना टाइम बर्बाद किया बताओ, भाई मैंने सारी क्लास दी है, मेरी फैमिली वाले, मैंने सारी क्लास दी है, मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत करी है, फैमिली थोड़ा यहाँ पे घूमने आया हूँ, पहली क्लास ली थी उसका नाम बताइए, पहली क्लास का नाम बता, पहली क्लास का वो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, बैगन तुम आए, हमारी पहली क्लास का नाम सुनना आम,
तू ऐसे रैंडम बोलेगा ना तो फिर पता कुछ हो नहीं पाएगा। नहीं नहीं रैंडम ही बोलना है, रियल रहना, रियल जितना रियल रहोगा ना ऑडियंस उतनी लाइक करेगी। बिल्कुल रियल काट दियो। तो भाई अभी होने वाली है हमारी क्लास और हम जा रहे हैं क्लास में, कुछ क्लास करेंगे यार, है ना। बहुत घूम लिया, बहुत टूर हो गया। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और थैंक यू। हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम। जय हिंद।